अब क्रोन एम्बेसडर सारे लोग बोलते हैं, बेनिफिट क्या है थोड़ा सा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। बेनिफिट ये है कि आपको जो खर्चे हैं, जो आपके ड्रीम हैं, उसके लिए पैसे अरेंज नहीं करने पड़ेंगे, वो 11 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको अरेंज नहीं करने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो जिसको कोई काम बोलो, कहता अच्छा पेमेंट का अरेंज कर लूँ, जो क्रोनो वैसे होएगा उसको ये कहना नहीं पड़ेगा मैं पेमेंट का अरेंज कर लूँ, वो कहता है अच्छा मैं करता हूँ ट्रांसफ़र, इस तरीके से। ये है बेनिफिट। और जब ऐसा कुछ होगा तो जो उस समय जो आप आनंद में रहोगे, वो आनंद में तो जब जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है डीएक्शन से, उनसे पूछिए क्या आनंद होता है, वो क्या मजा होता है। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बैठ के सोचिए, जिनके पास अभी नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं पैसे तो हम सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन डीएक्शन के बोनस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है, अगर आपने 400-500 हज़ार 10 हज़ार लोगों के लिए फैक्ट्री लगानी है, लाखों लोगों के लिए फैक्ट्री लगानी है, तो आप देखिए कितने दिन और कितनी रातें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सेलेक्ट करते रहो, अपनी टीम बनाते रहो, ऐसा कुछ होगा। एक बंदे को आप ज्वाइन करते हो, आपकी एक फैक्ट्री लगी, एक सेव होता है, लेकिन एक सेव का बीज एक सेव नहीं होता, एक सेव होता है, लेकिन एक सेव का बीज एक सेव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक सेब के बीज से एक दरख्त बनेगा, पेड़ बनेगा, उस पेड़ पे कितने सेब लगेंगे, उन सेबों में कितने बीज होंगे, आगे कितने पेड़ बनेंगे, कितने सेब लगेंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। और मज़ेदार बात यह है, जितने जितने पेड़ हैं फ्रूट देने वाले, वो हमने नहीं लगाए, हमारे दादे ने, परदादे ने, बाप ने, किसी ने लगाए हैं। और जो पेड़ आप लगा रहे हो, जो बूटा आपने लगा दिया, जो आपका आईडी है, वो ऐसा है पता नहीं कितने लोगों को वो क्या देगा, सब कुछ देगा, पैसा भी देगा, तंदुरुस्ती देगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ देगा। कैसे? अगर हमारे पास अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना आता है, प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा है, आसपास में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो हम उसको बताएंगे उसकी जान बच जाएगी नहीं बचेगी। अब जो 2-4 लोगों की जान हमने डीएक्शन के प्रोडक्ट से बचाई है, वही बहुत नशा है मेरे, बाकी बातें छोड़िए। और वो लोग सदा के लिए हमारे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम भी किसी के हो चुके हैं। इसीलिए पहली 4 साल 3 साल पहली फोटो देख लो मेरी, आप देख लेना, ये सब राजीव जी की कमाल है। ये है चीज़ें, तो हम सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। कि जब मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया, राजीव जी बोल रहे थे जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, यानी कि ऊपर नीचे गई लाइफ, एक एक शब्द इन्होंने बोला आंडू पंडू कंपनियाँ, हमें भी 15 साल बहुत कुछ करना पड़ा, देखना पड़ा, यूं ही नहीं मिल जाते अच्छे प्लेटफॉर्म, ईजी नहीं है। और वो लोग जिनको पहली बार में ही डीएक्शन मिली है, वो भाग्यशाली लोग, वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको डीएक्शन मिली है। ना जाने नए नए लोग भी सुन रहे होंगे जो अभी नए नए शुरू हुए हैं इस इंडस्ट्री का, 22 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ सबसे ऊपर, सबसे सुपर डीएक्शन मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट तो बढ़िया है, डॉक्टर लिम ने जो चीज़ बना दी है वो दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर प्रोफेसर साहब, दूसरा धन्यवाद मैं करता हूँ प्रोफेसर साहब का, जिन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लिया होगा, लेकिन जो हमारे पूर्वज रहे हैं, अगर वो बुद्धिमान रहते हैं, हमें उसका सुख मिलता है, वही सुख हमें मिला, उनका डिसीजन अच्छा था, आज हम उसकी वजह से यहाँ पे हैं। डॉक्टर रत्नम वासुपाल प्रोफेसर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरी अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप नाम लूँ तो कितने लोग मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हैं जो फुल एक्टिव हैं और पूरे मन से काम करते हैं। अगर 4.5 साल में क्रोन एम्बेसडर में बना हूँ तो 6 महीने ज़्यादा लग गए हैं, तो 6 महीने ज़्यादा इसलिए मैं कहता हूँ लग गए, तो मुझे ज़्यादा नहीं आता था। तो मेरे साथ 4 क्रोन एम्बेसडर मेरे जो अपलाइन में हैं, उनका साथ था, उनकी एजुकेशन थी, उनका ज्ञान था, उनकी मेहनत थी, और उन्होंने मेरे पे विश्वास कर किया और मेरे साथ टाइम लगाया और मेरे पे टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब जब मैंने उनको बुलाया तब तब वो लोग आए। और अपने आप एक अकेला आदमी कुछ नहीं बन सकता, शील्ड तो अकेले को मिलती है लेकिन अकेला बंदा कुछ नहीं बनता, टीम के बिना कुछ नहीं होता। जो अपलाइन थी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को साथ टाइम लगाया, मेरे घर भी रुके, आए भी, जब जब मैंने बुलाया तब तब आए। और इन्हों को जब मैंने देखा, इतने सालों से ये लगे हुए हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, जो इनका लगे रहना, इनका जो दृढ़ निश्चय था, उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि अगर ये 20 साल से लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, मैंने इन्होंने में क्या देखा,
इनको देखा अगर ये 20 साल से लगे हुए, इसी तरह से लोग हमें देख रहे हैं, ये बात अपने मन में ठान लेनी चाहिए। इन्होंने कोई मेरे साथ ऐसी कोई जादू में बात नहीं की, कोई मुझे बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाया, लेकिन एक ही बात दिखाई कि हम अपने फैमिली को 20 साल से यहाँ से चला रहे हैं, हमारे सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं और हमारी फैमिली के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। गुरचरण जी आ जाइए, आप कर लीजिए, मैंने शुरू कर लिया। अब ये तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप थी। अब मैं टीम की बात करूँ, टीम की बात करूँ तो टीम में इतने अच्छे लोग आए जिन्होंने मैंने जो बोला उन्होंने वो कर दिया। अब खुशकिस्मती है, अपलाइन अच्छी मिल गई, टीम में अच्छे दोस्त आ गए, सीरियसली उन्होंने काम किया तो हम करोना बेटर हो गए। लेकिन इसके बीच में जो चीज़ काम करती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बीच में एक चीज़ काम करती है, वो चीज़ ऐसी है जैसे मैंने इसको शुरू किया, अगर मैं पूरे दृढ़ इरादे से पक्के इरादे से ना करता, अगर पूरे मन से इसको मैं ना करता, क्या मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप या मेरे दोस्त जो टीम में हैं वो ट्रस्ट करते हैं? कभी ना करते, ना तो अपलाइन टाइम देती ना डाउनलाइन टाइम देती। इन लोगों ने टाइम इसीलिए दिया क्योंकि मैं इस तरीके से खड़ा था कि जैसे अभी जंग जीतनी है बस। ये जो हमारा खड़ने का स्टाइल है, जो हम किसी को अपना फेथ जो है कन्वर्ट करते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं और लोगों को उस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम यहाँ टिकेंगे। बहुत देर तो लोग इसलिए नहीं आते, वो ये देखते रहते हैं कि ये बंदा टिकेगा या नहीं टिकेगा, आज कहीं कल कहीं परसों कहीं, ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे समाज में लोगों का रहा है। लेकिन वो लोग भी जिन्होंने कंपनियां बदली हैं, बहुत सारे अंडू पंडू कंपनियां राजीव जी बोल रहे थे किए हैं, हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता। अब ये पता कौन लगाएगा? अब हमने लोगों को बताना भैया हमारा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे बढ़िया यही है, आप इसको स्टडी करो, यूज़ करो प्रोडक्ट को, उसके बाद कंपेयर करना है तो कर लो, फिर आ जाओ, लेकिन आ जाओ। इसी के बीच में एक बात और होती है जो हर लीडर को, जो मेरा आज का टॉपिक है, जो हर लीडर को सीखनी चाहिए, हर लीडर को नहीं, हर आम आदमी को सीखनी चाहिए और हर आम आदमी लीडर बन सकता है, बात यह है। अब बोले लीडर को सीखनी चाहिए, लीडर जो है जिसमें लीडरशिप है वो लीडरशिप इसलिए है कि वो सीखता रहता है डे बाई डे, वो हर रोज नई 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 चीज़ें सीख रहा है। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस बात का ध्यान रखना। और कई बार तो ये नहीं पता चलता मैं सीखूं क्या, हर ट्रेनर ये कहता सीखो पढ़ो, पढ़ूं क्या ये नहीं पता लग रहा। जो सक्सेसफुल लीडर हैं अगर हम उनको कॉपी कर लें, अगर हम देख लें वो कौन सी बुक्स को स्टडी करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, अगर हम ये जान लें, ये टोटली बिजनेस जो है, टोटल बिजनेस जो है ये है डुप्लीकेशन का बिजनेस। लोग आपको फॉलो करेंगे तब फॉलो करेंगे अगर हम फॉलो करने के लायक होंगे, तो हम फॉलो करने के लायक ही नहीं। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जबरदस्ती किसी को नहीं ला सकते, बंदा आए खुद ब खुद आए, आप जो लिस्ट बनाते हैं लोग उस लिस्ट में से लोग आते नहीं, उसकी वजह है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे जो पहला काम, अब यहां से शुरू होती है बात, सबसे पहला काम है डेली रूटीन। हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, आप देख लीजिए, कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, कोई मार्केटिंग कंपनी का कोई पर्सन है, कोई जो भी कोई काम करते हैं, सब लोगों की कोई ना कोई जो है रूटीन है, डेली की रूटीन है। जॉब करने वाला हर रोज जा रहा है, रोज वो तैयार होता है, उसी समय से निकलता है, सारे गली मोहल्ले वालों को पता होता है इसने इतने बजे जाना है और इतने बजे आता है, सबको पता होता है। लोगों को कौन बताता है? कोई नहीं बताता, लोग हमें आते जाते देखते हैं और सब लोगों को पता चल जाता है। इसी तरह से अगर हम हर रोज काम पे जाएंगे, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमें कौन देख रहा है। आप ये मान लीजिए आज के समय में आपके ऊपर पूरे के पूरे कैमरे लगे हुए हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो हमें तो लोग देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं तो लोग देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। अगर हम पूरे मन से इस काम को करेंगे तो जो इंसान आपने लिस्ट जो बनानी है ना, उस लिस्ट में से लोग बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपकी डेली रूटीन और आप काम करने, आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज और आपकी लीडरशिप, आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैं कहता हूँ काम करता है। ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हमें नहीं पता चलता, अननोन लोग हमारे साथ सिस्टम में आ जाते हैं। फ्रंट लाइन के लोग जानते होते हैं, सेकंड लाइन के जानते नहीं होते, लेकिन सेकंड लाइन के लोग हमें देखे आते हैं, वो इसीलिए आ जाते हैं अगर हमारे में कुछ ऐसी चीज़ हो, वो चीज़ कैसे आएगी। अब नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या कमी क्या है, ना तो कोई बॉस है, अपलाइन कुछ कह नहीं सकती, क्यों पार्ट टाइम बिजनेस बोल के ज्वाइन करवाया था, अपलाइन कुछ कहते ही नहीं है, ऑफिस कोई है नहीं, चेक कोई है नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं इतना काम क्यों नहीं किया। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं लगती, अब कराएगा कौन, काम होगा कैसे,
काम करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो हमारा कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए जिसको हमने अचीव करना है, और ड्रीम भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ड्रीम होना चाहिए जिसको अचीव किए बिना बंदे का काम चले ना, बंदा जी ना सके। अब हमने ड्रीम बना लिया कि मैंने बुलेट मोटरसाइकिल लेना, नहीं आएगा तो क्या तूफान आ जाएगा जिंदगी में, कुछ नहीं होता। तो ड्रीम ही ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, ऐसा कोई ड्रीम होना चाहिए, इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। मैंने अपने पेरेंट्स को कोई अच्छी चीज़ लेकर देनी है, गाड़ी लेकर देनी है, बड़ा घर बना के दिखाना है, पेरेंट्स हमारे अभी हमारे साथ हैं, ये भगवान करे ये 150 साल जीते रहे, लेकिन जाने से पहले हमारी अचीवमेंट, हमारे बनाए हुए घर महल, हमारा बंगला कोठी गाड़ी सब कुछ देख के तो जाए। अगर ऐसा इमोशनल ड्रीम रहेगा तो हम काम कर सकेंगे। आप ड्रीम ही नहीं है तो क्या करेंगे? अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद उनको अपने घर में रखिए। ये लीडरशिप के गुण हैं। हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, तो लोग क्या फॉलो करेंगे? जो जो हम करेंगे वो लोग अपने आप करते जाएंगे। हम लोगों को कहते हैं ऐसे कर तू, ऐसे कर, ऐसे कर, वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। हमने कहना नहीं है, हमने करके दिखाना। जब हम करते रहेंगे लोग हमारे साथ वैसे ही काम करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, 100% करेंगे। ऐसी कोई दो राय नहीं है कि लोग काम नहीं करेंगे। अब बात आती है लिस्ट की। हम लिस्ट बनाते हैं, निकलते हैं घर से फटाफट, भी बंदे के पास गए, वो बंदा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, जब उसको ये पता चला नया प्लान लेके आए वो तो बिल्कुल ही फ़ोन नहीं उठाता, तो दुनिया से गायब भी हो जाता है। लेकिन उस बंदे के सर्कल में लोग होते हैं, उससे सीधा सीधा अटैक मत करो उसको। हम क्या करते हैं, अरे यार काम करते जो करोड़ रुपए आएंगे, वो कहता है यार तेरे को तो 10 साल में नहीं आए। ऐसी प्रॉब्लम भी है। हमने सीखना ऐसा है, उसके पास जाएं, मिलें, चाय पानी शेयर करें, बात करें, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की बात करें और थोड़ी अपने ड्रीम की बात करें। फिर बंदा जब पूछे आपको क्या लगता है कि आपका ड्रीम कब पूरा हो जाएगा, या भाई साहब आजकल कौन सा लेवल चल रहा है आपका, या आप कब तक क्राउन बन जाओगे, या आपकी गाड़ी नहीं कब तक आ जाएगी, जब वो पूछे तब वो उसको बताने का मौका है। हमने ऐसी बात करनी है कि उस बंदे के अंदर से एक सवाल कोई आए, सवाल आए तो बस फिर लपकलो उसको, फिर छोड़ना नहीं है। जब तक वो सवाल नहीं करता हमें बताने का कोई फायदा नहीं होता है, मेरे को ये तजर्बा रहा है पिछले समय। दूसरी बात, अब हमने जोड़ लिया किसी को, सिखा दी सिस्टम में जोड़ा, प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, लोगों को बता रहा है, हमने अपने स्किल उसमें ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर द स्किल। अगर हम अपने स्किल उसको ट्रांसफर कर देंगे, अपनी जितनी नॉलेज है उसको दे देंगे, तो क्या होगा, हमारा एक डुप्लीकेट काम करने के लिए रेडी रहेगा। अभी घर में मैं अकेला कमा कर नोट लेके आ रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, एक बंदे को मैंने डुप्लीकेट किया, वो खुद के लिए काम कर रहा है, और एक अंदाजा है जितने पैसे उसको आते हैं उतने पैसे हमें दे देता है वो बंदा कमा कर। वो अगले 10 लोगों को जोड़ेगा, उसके 10 डुप्लीकेट होंगे, उसको 10 गुना इनकम हो जाएगी। ये है पूरा पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस। अभी हमने जो हमारे स्किल हैं उसको हमने उसमें ट्रांसफर करना है अपनी टीम में। अब टीम में जब ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे ट्रांसफर? कोई इंजेक्टर है नहीं, ब्लड तो है नहीं, इधर से लिया उधर दे दिया। ये ट्रांसफर होंगे, आप लोगों के नेचर को समझिए, अपने भी नेचर को समझिए। आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही गाते हैं जैसे लोगों को आप सुनते हैं। आप अपनी टीम के सामने जब काम करोगे, लोगों को बताओगे, तो टीम प्रेजेंटेशन ऐसी देगी जैसे आप देंगे। हर रोज हमने ये सोचना है कि कल से बढ़िया मैंने तैयार होना है, कल से बढ़िया मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। और माइंड में रखिए, जब हमने किसी से बात की है तो हमारी बात में क्या कमी रहेगी, अगली बार वो कमी ना रहे। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी राइज कर जाएंगे। और इस सिस्टम में कोरोना अम्बेसडर होना बड़ी बात है लेकिन मुश्किल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है लेकिन मुश्किल बात नहीं है। अभी तो कोरोना अम्बेसडरों की लाइन लगने वाली है। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट सेल में लगे रहते हैं, लेकिन ठीक है प्रोडक्ट तो हमने सेल करना है, देना है लोगों को, लोग खाएंगे तभी तो टेस्ट बताएंगे, तभी रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमारा जो काम है हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है। ये बिजनेस पूरे का पूरा रिलेशनशिप का है। आपकी टीम में कोई पर्सन है जितना मर्जी पैसा कमा रहा है, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो वो छोड़ जाएगा, गारंटेड। रिलेशनशिप का पूरा बिजनेस ये है। अगर हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अब रिलेशनशिप जो है उसके लिए क्या करना है, एक ही बात है, एक तो हमने सच पे रहना है। झूठ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एक झूठ को छुपाने के लिए 4-5 झूठ और बोलने पड़ेंगे, वो 4-5 झूठ के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। ऐसा काम नहीं करना है, सच सच बताना है, वो बंदा आपको अंडरस्टैंड करेगा। अगर कोई उसको लगता है ये सच भी बोल रहा है, सच हमारा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे लिए वो जरूरी लग रहा है काम, उसके लिए जरूरी नहीं लग रहा, तो उसको ढंग से बताना है, वैसा वैसा है मैंने जाना है कहीं बाहर और मेरी वाइफ रेडी बैठी है तो वो तैयार है इसलिए मैंने जाना है। तो वो अगर ऐसा कुछ बोलेंगे, फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, फिर वो आते हैं। हेलो जी मैम। गुरचरण जी। जी मैम। गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल मैम की कॉल थी, मैंने सोचा कोई मीटिंग के रिगार्डिंग ना बात हो तो मैंने फोन को अटेंड कर लिया। प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स, सो टेक ऑफ फॉर यू पीपल। प्रोडक्ट लोगों को मूव नहीं करेंगे, लोग प्रोडक्ट को मूव करेंगे। तो हमने केयर किसकी करनी है, लोगों की करनी है। अगर हम लोगों की केयर करेंगे
तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे लिए लोग काम करेंगे, लोग खुद के लिए काम करेंगे, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। ये सिस्टम है नेटवर्क इंडस्ट्री का, हमारा काम अपने आप हो जाएगा, ये सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ये है सिस्टम। अब जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पे इसलिए नहीं जाते कि खर्चा होगा। अरे भाई, ये ट्रेनिंग पे जो हम जाते हैं ना, ये खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये समझने की बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, यूट्यूबर को सुना है कि पैसा कमाने से अमीर नहीं होते, इन्वेस्टमेंट से अमीर होते हैं। अब देखिए, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बनेगा, अपने आप पे खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हम लीडर बनेंगे, हम अच्छे स्पीकर बनेंगे, हमारे पास नॉलेज होगी, हम अपने आप को इतना बढ़िया बना लेंगे जो हमारे सर्कल में आए वो हमारे साथ जुड़ जाए। लोग, मैंने देखा है बहुत बार प्रैक्टिकली ये हुआ है कि लोग जब हमारे साथ आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते कि हमने उनको कुछ सपने दिखाए हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसलिए नहीं आते, लोग हमारी एक्टिविटी देख कर ही आ जाते हैं। लोग कई बार हमारी एक्टिविटी से इतने प्रसन्न होते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है। अच्छा कब लगेगा, हम लोगों को अच्छा लगे, ये हम चाहते हैं, लेकिन लगे कब, जब हम अच्छे बनेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो हम अच्छे तो बन नहीं रहे, तो हम अच्छे लगने की कोशिश कर रहे हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। हमने अच्छे बनना है, हमने ऐसे बनना है लोगों का खुद ब खुद दिल करे कि इस इंसान के साथ रहना है। मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बोला था कि एक्शन में जो अब तक नहीं हुआ वो मैं करूँगा, तो मेरे एक अंकल हैं यार, कहते हैं गुरुचरण जी ऐसा आप क्या कर दोगे, तो मैंने कहा देखेंगे क्या करते हैं। 4.5 साल में क्रॉन किया, वो भगवान की कृपा से, अपलाइन की गाइडेंस से। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त है, अपलाइन इतनी ज़बरदस्त है, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हम आपके साथ हैं, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू।